तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो और हमारा आज का टॉपिक है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं। तो इसे हिंदी में हम कहते हैं अपूर्ण भविष्यत काल। सेकेंड हम देखेंगे कि हम इसके हिंदी वाक्यों की पहचान कैसे करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। भविष्य में किसी समय पर कोई कार्य या घटना हो रहा होगा, अर्थात जारी रहेगा यानी कंटिन्यू रहेगा, इस बात को बताने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शाम में वह काम कर रहा होगा, ही विल बी वर्किंग इन द इवनिंग। जब तुम आओगे वो जा रही होगी, वेन यू कम शी विल बी गोइंग। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। हमारा फर्स्ट टाइप है अफर्मेटिव सेंटेंसेस और इसके लिए हम फॉलो करेंगे इस स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग स्कूल जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग टू स्कूल। उसी तरह और भी एग्जाम्पल देखेंगे, कल हम जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग टूमोरो। अगले हफ्ता वे लोग वापस आ रहे होंगे, दे विल बी कमिंग बैक नेक्स्ट वीक। आधे घंटे बाद तुम सो रहे होगे, यू विल बी स्लीपिंग आफ्टर हाफ एन आवर। कल वो इस वक्त आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग एट दिस टाइम टूमोरो। दो घंटे बाद वह पार्क में घूम रहा होगा, ही विल बी वॉकिंग इन द पार्क आफ्टर टू आवर्स। देखते हैं हमारा सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम फॉलो करेंगे इस स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये बिल्कुल अफर्मेटिव की ही तरह है, बस इसमें हमें बी के आगे नॉट लगाना है। हम लोग स्कूल नहीं जा रहे होंगे, वी शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। और भी एग्जाम्पल देखेंगे, कल मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करता रहूँगा, आई शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू टुमारो। दो घंटे बाद वह कुछ नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट बी डूइंग एनी थिंग आफ्टर टू आवर्स। मैं उसका इंतज़ार नहीं कर रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी वेटिंग फॉर हिम। उस वक्त वह कुछ नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट बी डूइंग एनी थिंग दैट टाइम। तुम वहाँ अकेले खड़े नहीं रहोगे, यू विल नॉट बी स्टैंडिंग देयर अलोन। हमारा थर्ड टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम फॉलो करेंगे इस स्ट्रक्चर को, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमें क्वेश्चंस बनाने होते हैं जिनका आंसर हमें हाँ या ना में करना हो। एग्जाम्पल देखेंगे, क्या हम लोग स्कूल जा रहे होंगे, शैल वी बी गोइंग टू स्कूल। और भी एग्जाम्पल है, क्या वे लोग हमें खोजते रहेंगे, विल दे बी लुकिंग फॉर अस। क्या तुम कुछ भी नहीं कर रहे होगे, विल यू नॉट बी डूइंग एनी थिंग। क्या आप लोग शाम में वहाँ नहीं रहेंगे, विल यू नॉट बी देयर इन द इवनिंग। क्या सुबह में वह कुछ नहीं कर रहा होगा, विल ही नॉट बी डूइंग एनी थिंग इन द मॉर्निंग। क्या तुम उसका इंतज़ार कर रहे होगे, विल यू बी वेटिंग फॉर हिम। चलते हैं हमारे फोर्थ टाइप जो कि है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें फॉलो करना है इस स्ट्रक्चर को, डब्ल्यू एच वर्ड्स प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे एक एग्जाम्पल। हम लोग क्यों स्कूल जा रहे होंगे, वाई शैल वी बी गोइंग टू स्कूल। और भी एग्जाम्पल देखेंगे, तुम क्या बताने की कोशिश कर रहे होगे, वॉट विल यू बी ट्राइंग टू टेल। अगले साल हम लोग क्या कर रहे होंगे, वॉट शैल वी बी डूइंग नेक्स्ट ईयर। बच्चे कहाँ खेल रहे होंगे, वेयर विल द चिल्ड्रेन बी प्लेइंग, वेयर विल द चिल्ड्रेन बी प्लेइंग। तुम क्यों उसका इंतजार करते रहोगे, वाई विल यू बी वेटिंग फॉर हिम। तुम कब तक बैठे रहोगे, फॉर हाउ लॉन्ग विल यू बी सिटिंग। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन वीडियो को प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।